यहाँ पर प्रीवियस ईयर के CDP के कुछ क्वेश्चन लिए गए हैं जो कि आपके आने वाले एग्ज़ाम के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट रहने वाले हैं। यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए। तो चलिए वीडियो हम शुरू करते हैं। दिया गया है क्वेश्चन, परीक्षा में कम अंक पाने वाले विद्यार्थियों को विशिष्ट विद्यालय में भेज देना चाहिए, केवल व्यावसायिक शिक्षा पाने के लिए मार्गदर्शन देना चाहिए, या फिर दंड देना चाहिए, या फिर उसकी व्यक्तिगत आवश्यकताओं के अनुसार उसे सहायता देनी चाहिए। तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 4, उसकी व्यक्तिगत आवश्यकताओं के अनुसार जो है सहायता देनी चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ पर कथन दिया गया हुआ है सेकंड क्वेश्चन में, अर्थपूर्ण अधिगम के लिए नई सामग्री को बच्चे के मौजूदा ज्ञान से जोड़ना जरूरी है, जबकि तर्क दिया गया है अधिगम एक रेखीय तरीके से होता है। उपर्युक्त में ए कथन जो दिया गया है वह सही है, अर्थपूर्ण अधिगम के लिए नई सामग्री को बच्चे के मौजूदा ज्ञान से जोड़ना बहुत ज़रूरी होता है, जबकि जो अधिगम होता है वह एक रेखीय तरीके से नहीं होता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, ए सही है जबकि आर जो है गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विद्यालयों को निम्नलिखित में से सफलता की किस धारणा को चुनौती देनी चाहिए? विद्यार्थी विद्यालयों में खुद को दूसरों से बेहतर प्रमाणित करके सफलता प्राप्त करें। सफलता प्रतिस्पर्धा संबंधित नहीं होनी चाहिए, या फिर सफलता को संकल्पित करते समय विद्यालयों को संज्ञानात्मक के साथ साथ भावात्मक क्षेत्रों को भी महत्व देना चाहिए। और लास्ट ऑप्शन दिया गया है, एक ऐसी आकलन प्रणाली जिसमें कोई पहला आता है उसे निर्मित करते समय यह प्रणाली भी बना देते हैं कि कोई अंतिम स्थान पर आएगा। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 जो है राइट हो जाएगा, विद्यार्थी विद्यालयों में खुद को दूसरों से बेहतर प्रमाणित करके सफलता प्राप्त करें। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, किसी संप्रत्यय को पढ़ाते समय एक अध्यापिका को निम्न में से क्या नहीं करना चाहिए? रूपकों का विभिन्न क्षेत्रों में व एक ही क्षेत्र उपयोग, विभिन्न परिघटनाओं में सहसंबंध को रेखांकित, या फिर विद्यार्थियों को कार्यकारण संबंधों को तलाशने के लिए कहना, या फिर गैर उदाहरणों और अपवादों के सम्मिलन का वर्जन। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, गैर उदाहरणों और अपवादों के सम्मिलन का वर्जन। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, निम्न में से अधिगम की कौन सी तकनीकी पर एक अध्यापिका को बल देना चाहिए? उद्दीपक प्रतिक्रिया द्वारा अधिगम, संरचनाबद्ध अन्वेषण की प्रक्रिया द्वारा अधिगम, या फिर रट्टा मार सीखना। और फिर लास्ट में दिया है, दूसरों से ज़्यादा अंक प्राप्त करने के लिए सीखना। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, संरचनाबद्ध अन्वेषण की प्रक्रिया द्वारा अधिगम। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है, निम्न में से कौन सा बाह्य अभिप्रेरणा का उदाहरण नहीं है? सजा से बचना, रुचि, इनाम, या फिर असफलता का डर। तो इसका यहाँ पर राइट आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, जो रुचि है वह बाह्य अभिप्रेरणा का उदाहरण नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा भाव विद्यार्थियों के अधिगम में बाधक रहेगा?
उत्सुकता, कृतज्ञता, जिज्ञासा या फिर निराशा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, निराशा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक कक्षा में जल संप्रत्यय पर चर्चा के दौरान एक बच्चा कहता है कि जब रंगहीन नहीं है, अध्यापिका के पूछे जाने पर वह उसके घर के पास वाले नाले के गंदे पानी का संदर्भ भी देता है। बच्चे की इस भ्रांति पर अध्यापिका की क्या प्रतिक्रिया होनी चाहिए? इस जवाब को सिरे से नकार देना चाहिए, इस बात पर बल देना चाहिए कि उसका तर्क निराधार है, या फिर इस जवाब को अपना लेना चाहिए और जल के रंगहीन होने का तर्क बताना चाहिए, या फिर केवल एक ही सही जवाब जो कि जल रंगहीन है पर जोर देना चाहिए। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, इस जवाब को अपना लेना चाहिए और जल के रंगहीन होने पर तर्क बताना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अधिगम का सामाजिक संरचनात्मक उपागम निम्न में से किसकी महत्ता पर बल देता है? इनाम और दंड पर, मानकीकृत आकलन पर, सांस्कृतिक संदर्भ पर, या फिर प्रतिपादक अध्यापन पर। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, इसका राइट आंसर हो जाएगा सांस्कृतिक संदर्भ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अधिगम का सबसे अधिक प्रभावशाली और अर्थपूर्ण होगा अधिगम सबसे अधिक प्रभावशाली और अर्थपूर्ण होगा अगर यह संदर्भित रूप में हो, अधिगमकर्ता प्रदर्शन अभिमुखी हो, या अधिगमकर्ता बाह्य कारकों से अभिप्रेरित हो, या जानकारी असंबंधित खंडों में प्रस्तुत की जाए। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर एक, यह संदर्भित रूप में हो। तो अभी की वीडियो में सिर्फ इतना ही। यदि वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।